सुप्रभात पिला माने मु मंजुलता पटेल विज्ञान शिक्षयित्री सरकारी उच्च विद्यालय सर्गीपाली विज्ञान शिक्षयित्री आज भर्चुआल क्लास को आपण मानक स्वागत हला पिला माने जानिछो एबे हमर जो समेटिव असेसमेंट टू पाखे आसिले तमर 13 तारीख रे आरंभ हेबो तो आमे प्रथमे सेथिरे क्यों सिलेबस रु आसिबो तापर प्रश्नपत्र किपरि आसिबो ताहा बुझिबा पई मु गोटिया स्लाइड तयारी करिछि सेथिरे तमे क्लियर हे जीवो आगरो तो तम विद्यालय रे ए सब सार माने कहिथिबे तथापि तम क्लियर पई मु दुईटी स्लाइड तयारी करिछि तापर आमर अछि आमर जेहेतु सिलेबसटा दि भाग रे हेछि टर्म 1 एम्बो टर्म 2 तो टर्म 1 रे भी आमर समेटिव असेसमेंट रही जाइथिले मध्य आमे सेथिरो 30% मार्क आसिबो एवं आमर टर्म 2 सिलेबस रु 70% मार्क आसिबो तो ताहा बुझिबा पई आमे दीटा स्लाइड प्रस्तुत करिछु ताहा देखि सारिला परे आम जीव विज्ञान नवम श्रेणी रो द्वितीय अध्याय जीवकोष ओ एहार संगठन विषय रे आमे प्रश्न किछि नैकि आसीछि ताहा आलोचना करिबा एबे आमे स्मार्ट बोर्ड पाखकु जीवा हला सिलेबस एवं तुमर एग्जाम पैटर्न विषय रे तमे जानिबा पई एबे स्मार्ट बोर्ड पाखकु जीवा ता माने आमर पिला माने तमर टोटल सिलेबस साइंस रो दि भाग रे विभक्त करा हिछि टर्म 1 एवं टर्म 2 हला एहा जानिथबो समस्ते निहाती अमर जीव विज्ञान रे अमर प्रथम अध्याय जो जैव विविधता द्वितीय अध्याय जीवकोष एवं अमर तृतीय अध्याय टिश्यू तंत्र एवं पंचम अध्याय रोग यहार निराकरण रहिछि अमर जीव विज्ञान बही रे तो अमर ए दीटा चैप्टर अमर प्रथम रु सरी जाइछि ए दीटा चैप्टर अमर समेटिव असेसमेंट 1 रे सरी जाइछि तथापि अमर 30% क्वेश्चन सेठारु आसीबो एवं टर्न 2 रे एबे जहा पढा चलीछि टिशु तंत्र एवं रोगर यहा निराकरण यहा प्राय सब स्कूल रे सरी जाइछि तेणु एहा मध्ये हमको पढिबा को हेबो तापर भौतिक विज्ञान रो अमर द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय एवं चतुर्थ पंचम अध्याय यहा समेटिव असेसमेंट 2 रे मध्ये तहा आसीबो एवं अमर षष्ठ अध्याय बल और गति नियम सप्तम अध्याय महाकर्षण अष्टम अध्याय कार्य और शक्ति हेले एबे आमे जानला टर्म 1 रे प्राय जीव विज्ञान रो 6टी अध्याय रहिछि एवं टर्म 2 रे अमर 5टी अध्याय रहिछि तो आमे एहा सरी जाइथिले मध्य एथिरु अमर 30% सिलेबस आसीबो पाखा पाखी अमर 24 मार्क्स रो एवं अमर टर्म 2 सिलेबस रु अमर 70% क्वेश्चन आसीबो 56 मार्क रो एहा सिलेबस विषय रे गला एबे आमे देखिबा अमर एग्जाम पैटर्न विषय रे अमर एसए 1 एवं एसए 2 एबोली दि भाग करा हिछि से भितरु अमर समेटिव असेसमेंट 2 जेहेतु एबे तमर पाखे आसिलानी ता विषय रे टिके आमे जाडीबा अमर टोटल साइंस रे अमर 80 मार्क्स रो एग्जाम हेबो से भितरु अमर एमसीक्यू आसीबो 15 मार्क्स एवं सब्जेक्टिव टाइप आसीबो 30 मार्क्स एहा प्राय सब स्कूल रे कोहा हेछि किंतु तमर बुझिबा पय मु उटे स्लाइड तयारी करिछि एमसीक्यू जों हमर 15 मार्क्स रहिला से भितरु हमर 25 मार्क्स हमर जीव विज्ञान रु आसिबो एवं 25 मार्क्स भौतिक विज्ञान रु एमसीक्यू आसिबो ऑप्शन वाला क्वेश्चन तापर हमर सब्जेक्टिव जों 30 मार्क्स रहिला सेटा पुनी हमर दि भाग रे हेछि 15 मार्क्स जीव विज्ञान एवं 15 मार्क्स हमर भौतिक विज्ञान ए भले हमर एटा हला 15 मार्क्स आउ 30 मार्क्स 80 मार्क्स टोटल हो गला तापर हमर जो एमसीक्यू तो जानिथबो ऑप्शन वाला सेटा आसीबो किंतु हमर 15 मार्क्स पा में पुनी दीटा नंबर करी के आसीबो तले फर्स्ट एक नंबर तीनटा बिट रहिबो एक नंबर तीनटा बिट रहिबो प्रथम बिट रे 3 मार्क्स द्वितीय बिट रे 3 मार्क्स तृतीय बिट रे 2 मार्क्स एभली रहिबो एवं नंबर 2 रे हमर प्रथम बिट रे 4 मार्क्स प्रथम बिट रे 4 मार्क्स एवं सेकंड बिट रे 3 मार्क्स रहिबो हला तो ए भले हमर क्वेश्चन पैटर्न आसीबो तो पिला माने तुमे हमर जेहेतु ए क्लास टे एक्चुअली जीव विज्ञान रो द्वितीय अध्याय जीवकोष यहार संगठन ता विषय रे हमें एटा रिवीजन क्लास बोली के हमें नेइछु तो हमें एथिरे प्रथमे जेहेतु पढा सरी छि कोन थिला टॉपिक सब थिला सब टॉपिक कोन थिला टिके माइंड रे आसीबा पई मु गुटे स्लाइड करी छी फर्स्ट हमर अध्याय हला जीवकोष यहार संगठन द्वितीय अध्याय सेथिरे हमर अगरु सब टॉपिक थिला कोष रो नामकरण न्यष्टि आदि जीवक कोष सिद्धांत रो आविष्कार ए विषय रे थिला नेक्स्ट थिला भिर्चो रो मतवाद भिर्चो को मतवाद तापर हमर प्राक नेष्टिय सुनेष्टिय कोष विषय रे हमर पढाई थिला
कोषर विभिन्न मुख्य अंश तापर विभिन्न कोष अंगिका जो आमर माइट्रोकोंडिया आमर कोष अंगिका जो रही माइट्रोकोंडिया तापर रसधानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गल्गी पिंड राइबोजोम लाइसोजोम लबक न्यस्टि ए विषय आम पढ़ा सरी आम लास्ट थिला उद्भिद प्राणी कोष मध्य पार्थक्य पढ़ा सरी जाइए तो आज आम यही चैप्टर उपर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और किसी सबमिटिव असेसमेंट में क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा नेक्स्ट हेले तुम्हें मैंने से सक्रिय अंशग्रहण कर मोर आशा तो फर्स्ट क्वेश्चन आम रही कोषर नामकरण क्यों वैज्ञानिक करते पा मैंने आंसर देवा चेष्टा कर कोषर नामकरण क्यों वैज्ञानिक करते कह रॉबर्ट हुक वेरी गुड आमर आंसर अच्छी वेरी गुड आमर रॉबर्ट हुक पा मैंने जानी छो तो रॉबर्ट हुक इमेज टा दिया है फोटो टा ये रॉबर्ट हुक से कौन करी कहा को नहीं कि से परीक्षा करी ये कही पार पा मैंने से आमर कर्क है कर्क बा आमर जो उद्भिदर जो बकल रही तार अति पतला आस्तरण को नहीं सरल अणुवेक्षण जंत्र साहय से देखी थे आखला समय यही चित्र से देखा पाई एहु महुफेणा सदृश महुफेणा सदृश अनेक से कोठरी देखा पाई से कोठरी को से कौन बोली नामित करोष से सब कोठरी को से कौन बोल कि नामित करोष बोली नामित ना? तो से जो कोष नहीं आमर कर्क कोष से मृत कोष थिला सेटा की कोष थिला मृत कोष है उद्भिद जो बकल रहे सेटा ही से कर्क बोली नहीं आउ सेटा ही कर्क तार अति पतला स्तर को से नहीं थिले ना? बुझी हला नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन क्यों वैज्ञानिक न्यष्टि आविष्कार करथिले रॉबर्ट हुक पुर्किंजी रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट व्हिटेकर पिला मैंने आंसर दियो रॉबर्ट हम न्यष्टि किया आविष्कार करी थिले रॉबर्ट ब्राउन किया आविष्कार करी ठीक से कहो सुभा जाउनी वेरी गुड हमर रॉबर्ट वेरी गुड रॉबर्ट ब्राउन पिला मैंने तमे जानी छो न्यष्टि हमर जो हमें कोषटे नेउछु बाह्य स्तर को कोष झिल्ली बोली के कहा जाए हला कोष झिल्ली कहा जाए तापर आमर कोष भितर गोटे गोलाकार अंश अच्छी ताकू आमर कौन कहा जाए न्यष्टि कौन कहा जाए आमर न्यष्टि आमर मझीरे जहाँ सब रहुची अर्ध तरल पदार्थ ताकू आमे कहिबा कोष जीवक ना हेले पिला माने ए जो केन्द्रस्थल रे जो न्यष्टि रहिची एटा ही ये आमर आविष्कार करथिले रॉबर्ट ब्राउन बुझिहला नेक्स्ट आम अन्य प्रश्न को जीवा पुर्किंजी कौन आविष्कार करथिले पिला माने कहो पुर्किंजी कौन आविष्कार करथिले आदि जीवक वेरी गुड आदि जीवक हला पिला माने एठारे टिके कन्फ्यूज क्वेश्चन रहिछि न्यष्टि कोष जीवक आदि जीवक रसधानी पिला माने तमर ए हमर आदि जीवक आ कोष जीवक हला ए भितरे किछ पार्थक्य रही तो आम जानवा क्वेश्चन कहीं कन्फ्यूज हे ना है कोष जीवक कौन आदि जीवक किंतु आम पुर्किंजी आदि जीवक आविष्कार करते हैं तुम्हें देख आम कोष जीवक कहले आम न्यष्टि कोष झिल्ली मध्यवर्ती स्थान आम न्यष्टि कोष झिल्ली मध्यवर्ती स्थान जो तरल पदार्थ रही तरल पदार्थ विभिन्न अंगिका सब भासमान अवस्था अच्छा भासमान अवस्था था कोष जीवक कहारोली कोष झिल्ली मध्यवर्ती न्यष्टिया कोष झिल्ली मध्य जो तरल अर्ध तरल पदार्थ अच्छी जो थी आम कोष अंगिका गुड़िक भासमान अवस्था अच्छा सेटा है कोष जीवक बुझीला कोष जीवक तापर एबे आमे जो पुर्किंजी आविष्कार करिछंती कोन आदि जीवक पिला माने बुझो आदि जीवक कहिले हला आदि जीवक कहिले कोन आमर कोषरे थिबा समस्त जीवंत पदार्थ कोष मध्यरे थिबा समस्त जीवंत पदार्थ को आमे कहिबा कोन आदि जीवक सेथिरे कोन आदि जीवक आमे आदि जीवक रे
आमर कोष भितरे रहिछि कोण कोष जीवक प्लस न्यष्टि टोटल अंश को कोष भितरे थिबा समस्त पदार्थ कोष जीवक प्लस ता संगे न्यष्टि रे जहां सब अंश रहिछि उभय को नै कि आमर कोण गठित आदि जीवक हला पिला माने क्लियर हला कोष जीवक कहिले केवल न्यष्टि ओ कोष झिल्ली मध्यवर्ती स्थान रे जहां सब रहिछि ताहा हला कोष जीवक किंतु आमे आदि जीवक कहिले आमर कोष जीवक तापरे प्लस आमर न्यष्टि बुझियला। नेक्स्ट पिला माने कोष विभाजन क्षम ओ नूतन कोष सर्वदा पूर्व कोष रु सृष्टि बा संभव एहा केउ वैज्ञानिक कहिथिले क्वेश्चन आउ थरे कोष विभाजन क्षम ओ नूतन कोष सर्वदा पूर्व कोष रु सृष्टि एहा केउ वैज्ञानिक कहिथिले के जानि छो आंसर देबा पई चेष्टा करो फिरचो सिल्डन स्वान लिनियस रॉबर्ट ब्राउन ऑप्शन ए फिरचो हला से कहिथिले भिर्चो कहिथिले जे अमर प्रत्येक कोष विभाजन क्षम एवं सेथिरो विभाजन घटी कि नूतन कोष सृष्टि हुए एटा भिर्चो को मतवाद हला भिर्चो कहिथिले हला। नेक्स्ट आमे अन्य क्वेश्चन को जिबा जीवन रो मौलिक गाठनिक ओ क्रियात्मक एकक कोन ऑप्शन अछि कोष बी रे अछि टिश्यू अंग न्यष्टि पिला माने कुह आमर क्वेश्चन अछि जीवन रो मौलिक गाठनिक ओ क्रियात्मक एकक कोन आमे पिला माने एटा हला आमर कोष कारण आमर कोष कोष रो समाहार रे टिश्यू टिश्यू रो समाहार रे टिश्यू तंत्र तापरे टिश्यू तंत्र को नै कि अंग अंग को नै कि आमर पूर्णांग जीवटे तयारी हेछि तो एठारे आमर मौलिक गाठनिक ओ क्रियात्मक एकक होउछि कोष हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आमे आमे जहां पढ़ीछु ताहा मन रखिबा पय आउटे स्लाइड तरह हेछि फर्स्ट आमर साइंटिस्ट मान को चित्र देकि आमर फर्स्ट हला कोषर नामकरण के करिथिले इटा आगरो जेहेतु आमे स्लाइड रे देखिछु रॉबर्ट हुक 1665 मसीहाटा भी तमे मन रखिबो 1665 मसीहा रे आमर वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक करिथिले आमर कोषर नामकरण हला कॉर्क रो कोष को नै जाऊ सरल अणुवीक्षण से देखिथिले से करथिले तापरे न्यष्टि रो आविष्कार कहबे आमे पढ़िला रॉबर्ट ब्राउन हला मसीहा हला 1831 मसीहा रे एटा रॉबर्ट ब्राउन को हला चित्र दिया हेछि। तापरे आदि जीवक रो आविष्कार को करथिले आदि जीवक एबे बुझा हला पुरकिन जी 1839 मसीहा रे आदि जीवक से आविष्कार करथिले। तापरे हमर कोष सिद्धांत पिला माने कोष सिद्धांत कोन हला कोष सिद्धांत हला आमर कोष हेउछि क्रियात्मक आमर गाठनिक क्रियात्मक एकक तापरे नूतन कोष सर्वदा पूर्व कोष रो सृष्टि एटा सब आमर कोष सिद्धांत रे अछि सेटा आमर दीटा वैज्ञानिक सिल्डन ओ स्वान 1839 मसिया रे से आविष्कार करथिले हला। एट स्लाइड टा आमर मन रखिबा पई वैज्ञानिक मानंकर नाम मन रखिबो तापरे मसिहाटा हला एटा निहाते शॉर्ट क्वेश्चन रे आमर आसे। तापरे आमे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा पिला माने एथिरे अछि कोषर तीनोटी मुख्य अंश मध्यरु प्रथम दुईटी कोष झिल्ली ओ कोष जीवक हेले अन्य अंशटी कोन पिला माने आंसर दियो तीनोटी आमर मुख्य अंश रहिछि एबे जो आमे डायग्राम टा कल्ला हला तीनोटी मुख्य अंश भितरे आमर प्रथमटी हला कोष झिल्ली कोन पिला माने कुह वेरी गुड आमर न्यष्टि वेरी गुड आमर प्रथमटा हला आमर कोन कोष झिल्ली तापर आमर कोष जीवक रहिला एई एटा हला न्यष्टि हला न्यष्टि बुझियला एटा कोष झिल्ली आउ लेखिबा नै आगरो जेहेतु लेखा हिचे कोष झिल्ली कोष जीवक न्यष्टि बले आमर ऑप्शन हेबो कोन घ न्यष्टि हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आमे कोष झिल्ली माध्यम रे विभिन्न पदार्थ रो जातायत केउ प्रक्रिया द्वारा संपादित होए नाही क्वेश्चन को ठीक भाव रे पढ़ो कोष झिल्ली माध्यम रे विभिन्न पदार्थ रो जातायत केउ प्रक्रिया द्वारा संपादित हुए विसरण पिला माने कह विसरण नहीं भूल नहीं भूल आंसर हुए नहीं क्वेश्चन अछि हुए नहीं बोली दिया है छि नहीं रे आउ के कहिबो छेदन वेरी गुड अमर हेबा उस्वेदन हेबो कारण अमर कोष झिल्ली जेहेतु छिद्र युक्त हला सेथिरे अमर
ବିସରଣ ପରାସରଣ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଯାତାୟତ ହେଇଥାଏ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବିସରଣ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପରାସରଣରେ ଆମର ପରାସରଣ ଦ୍ଵାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପରିବହନ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆମର ଏଇ ବିସରଣ ପରାସରଣ ଏଗୁଡା ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପରିବହନ। ହେଲେ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ କ'ଣ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାରୁ ସବୁବେଳେ ଆମର କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବହନ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଧିକରୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ ନିକଟକୁ ଯିବ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଛି ତାଠାରୁ କମ୍ ନିକଟକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ତାର ଓଲଟା ଘଟେ ହେଲା, ମାନେ କମ୍ରୁ ଅଧିକକୁ ଯିବ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ଥିବ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରୁ ବି ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଅଣୁମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେଇ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରେ, ସେ ଅଣୁମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତା ଠେଲିକି ହେଲା ପରିବହନ ସେ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମର ଉତ୍ପେଦନ ହେବ, ଉତ୍ପେଦନ କ'ଣ, ଉତ୍ପେଦନରେ ଉତ୍ପେଦନ ହେଲା ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁ ଜଳ ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଯେ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ଆମର ଉତ୍ପେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଉତ୍ପେଦନରେ ଆମର ଏଇ କୋଷରେ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଆମେ ଯିବା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ? ଅପସନ ଦିଆ ହେଇଛି ଆର୍ଏନ୍ଏ, ଡିଏନ୍ଏ, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ। ନେକ୍ସଟ କୁହ, ଆମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ? ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଆମର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଯିଏ ଜାଣିଛ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ସ୍ନେହ ସାର ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଦେଇଛି ସିରେ ହେଲା, ଅପସନ ହେବ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ନେହ ସାର ପୁଷ୍ଟି ସାର ଅଣୁ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ, ବା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଲିପୋ ପ୍ରୋଟିନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଲିପୋ ପ୍ରୋଟିନ, ଲିପିଡ ପ୍ଲସ ପ୍ରୋଟିନ ହେଲା, ଲିପିଡ ଅର୍ଥ ସ୍ନେହ ସାର ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଅଣୁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଝିଲ୍ଲୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଆମର ସ୍ନେହ ସାର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାର ଲେୟାର ରହିଛି, ଦିଟା ଲେୟାର ହିସାବରେ ରହେ ସ୍ନେହ ସାର ଅଣୁ ଗୁଡିକ ହେବା, ମଝିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଅଣୁ ସବୁ ରହିଥାଏ ଏ ଭଳିଆ ହେଲା। ସ୍ନେହ ସାର ଅଣୁ ବି ରହିଥାଏ, ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁ ବି ରହିଥାଏ ହେଲା, ଲିପୋ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ। ତାଙ୍କ ଲେୟାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଲିପିଡ ଆର ପ୍ରୋଟିନ ଲେୟାର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ସବୁବେଳେ କ'ଣ, ସ୍ନେହ ସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ, ବେଳେ ବେଳେ ତାର ଅପସନ ଏଇଟା ନଥାଇକି ଲିପୋ ପ୍ରୋଟିନ ମଧ୍ୟ ଥିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆସିଲା କୋଷ ଭିତ୍ତି କାହା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ? ପିଲାମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତ ଜାଣିଥିବ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ କୁହ, ଭେରି ଗୁଡ, ଆମର ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ଶର୍କରାରେ ତାହା ଗଠିତ, ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଆମର କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ହେଲା, କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଶର୍କରା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ, ଏବଂ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଉଭୟ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ ବା ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଆଉ ତାହା ଲିପୋ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହ ସାର ଦ୍ଵାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କୋଷରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ବୀଜାଣୁ, ଭେରି ଗୁଡ, ଆମେ ବୀଜାଣୁ, ଭେରି ଗୁଡ, ବୀଜାଣୁ କୋଷରେ ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟା ଆମର କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ, ବା ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ, ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଠଟା ତମେ ପଢିଛ, ଆମେ ଯଦି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଲା ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉ ବା ଜୀବଘ୍ନ ଖାଉ, ତ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ବୀଜାଣୁ କୋଷର କୋଷ ଭିତ୍ତିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ହେଲା। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ କୋଷରେ ଯେଉଁ ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆମେ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ
बा अर्ध तरल पदार्थ को कौन कहा जाए कह एबे तो आमे इते डिस्कशन करिछु कोष झिल्ली और न्यष्टि मध्ये रेथिबा तरल बा अर्ध तरल पदार्थ को कौन कहा जाए कोष जीवक पिला माने आंसर दियो कोष जीवक वेरी गुड जेहेतु इटा डिस्कशन सरीछि अमर कोष जीवक हला नेक्स्ट जीवा आमे कोषर शक्ति केन्द्र केउ अंगिका को कहा जाए इटा समस्त जानिथबो अष्टम श्रेणी रे मध्ये अछि रसधानी लाइसोजोम माइट्रोकोंड्रिया गोल्गी पिंड ओहा शक्ति केन्द्र कहाँ को कहिबा आमे केउ अंगिका को माइट्रोकोंड्रिया वेरी गुड अमर माइट्रोकोंड्रिया को सब बेले शक्ति केन्द्र वेरी गुड माइट्रोकोंड्रिया को अमर शक्ति केन्द्र कहा जाए हला कारण सेठारे आम अम्लजान द्वारा सरलीकृत खाद्य रो जारण घटी शक्ति उत्पन्न होउछि तेणु आम शक्ति केन्द्र बोली कहिबा नेक्स्ट माइट्रोकोंड्रिया रो मध्यवर्ती स्थान को कौन कहा जाए पिला माने माइट्रोकोंड्रिया रो चित्र तुम्हें जानी छो हला बाह्य स्तर टी रही अंतःस्थर आंगुठी भलिया लंबी की थाए हला ता बोले ता परे अमर भितरे ए भितरे थे अंश को कौन कहा जाए पिला माने आधारो आधारो वेरी गुड अमर भितरे थे अंश को कहा जाए आधारो बुझी हला नेक्स्ट एक कोशी आदि प्राणी रो संकोच रसधानी क्यों नियंत्रण रे सहाय्य करी थाए बा सहाय्य करी थाए कह आमर जानी छो एक कोशी आदि प्राणी अमर जो एमीबा हला तांकर संकोचि रसधानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एवं फूड वैक्यूल दुईटा रसधानी अछि तो अमर संकोच रसधानी कोन पिला माने जल वेरी गुड जल नियंत्रण से करे हला जल नियंत्रण करे एवं खाद्य रसधानी अछि से खाद्य नियंत्रण बा पाचन क्रिया रे से सहाय्य करे वेरी गुड नेक्स्ट अमश्रुण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन संश्लेषण करिथाय बा कोन तयारी करिथाय से अमश्रुण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन संश्लेषण करिथाय पिला माने सर वेरी गुड सर वेरी गुड वेरी गुड अमर पुष्टि सर कारण अमर अमश्रुण आमे जानिछु रेटिकुलम अमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हला दि भाग रे विभक्त गुटे मश्रुण एवं अमश्रुण अमर जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो उपरी भाग रे राइबोसोम थिबो हला जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो उपरी भाग रे अमर राइबोसोम रही थाए राइबोसोम थिले से निहाती अमर पुष्टिसा संश्लेषण रे सहाय्य करिवो तो एथरे क्वेश्चन अछि अमश्रुण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने खदड़िया माने राइबोसोम कोनिका थिबारो ता खदड़िया बा अमश्रुण जणा पड़े हला तो सेथिरे राइबोसोम जेहेतु अछि से पुष्टि सारे सहाय्य करिवो हला पिला माने आ गुटे अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गुटे तो अमश्रुण आ गुटे हला मश्रुण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दि भाग रे जेहेतु विभक्त हाई छि अमश्रुण रे राइबोसोम थिबारो से पुष्टि सार तयारी करला एवं मश्रुण रे कोन तयारी हुए के कहि परिवो मश्रुण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे कोन तयारी हुए स्नेह सर वेरी गुड स्नेह सर वेरी गुड से स्नेह सर तयारी बा संश्लेषण करी थे हला नेक्स्ट अमर 16 नंबर क्वेश्चन अछि कोष झिल्ली निर्माण रे केउ अंगिका सहाय्य करी थे हला राइबोसोम माइटोकोंड्रिया गोल्गी पिंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिला माने कह कोष झिल्ली निर्माण रे केउ अंगिका सहाय्य करी थे कह अमर राइबोसोम माइटोकोंड्रिया गोल्गी पिंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानि छले कह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबे जो आमे पढ़िला मश्रुण अमश्रुण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही अमर कोष झिल्ली तयारी रे सहाय्य करी थाए तापरे अमर 17 नंबर क्वेश्चन आसिला उद्भिद कोष रे गोल्गी पिंड रो अन्य नाम कोन कह उद्भिद कोष रे गोल्गी पिंड डिक्टियोजोम वेरी गुड डिक्टियोजोम पिला माने एहा अमर गोल्गी पिंड उभय प्राणी कोष रे भी अछि उद्भिद कोष रे मध्य अछि किंतु उद्भिद कोष रे तार नामटा आमे कोन देइछु डिक्टियोजोम हला नेक्स्ट अमर 18 नंबर क्वेश्चन देइछि कोषर केउ अंगिका को पाचक थली बा आत्मघाती थली आख्या दिया जाइछि
पाचक थली बा आत्मघाती थली हमें कहाँ को कहिबा सुइसाइडल सेक ऑफ द सेल लाइसोजोम वेरी गुड लाइसोजोम कहीं के कहा जाए पिला माने लाइसोजोम को आत्मघाती थली पिला माने हम लाइसोजोम रे किछि पाचक एंजाइम रही थाए कोन रही थाए पाचक एंजाइम रही थाए जे पाचन क्रिया रे सहाय्य करी जेतु पाचन क्रिया रे से सहाय्य करी थबार ताकु पाचक थली आख्या दिया जाई छि तो आत्मघाती थाली पुणी कोन सुइसाइडल सेक ऑफ दिस सेल कारण आमर कोष रे जहा क्षत बा मृत कोष रही छि से सब लाइसोजोम रे पाचक एंजाइम द्वारा छोट छोट अंश रे परिणत होई से नष्ट होई जाय तेनो ताकु आमे सुइसाइडल सेक ऑफ दिस सेल बा आत्मघाती थली बोली कहा जाय बुझियला पाचक थली पाचक रस अछि पाचन क्रिया रे सहाय्य करे एवं सेहा छोट छोट अंश रे परिणत होई कि से नष्ट होई जेबारु ताकु आमे आत्मघाती थली बोली कि आख्या देछु हला नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे जिबा 19 नंबर प्राणी कोष रे केउ अंगिका न थाए पिला माने कहो प्राणी कोष रे केउ अंगिका न थाए माइटोकांड्रिया तुम रसधानी लवक लवक केउ कोष रे थाए लवक वेरी गुड लवक केउ कोष रे थाए वेरी गुड लवक हमर प्राणी कोष रे न थाए उद्भिद कोष रे थाए हमर 20 नंबर उद्भिद रो फूल फल आदि रे केउ लवक थाए पिला माने आमे जानि छ लवक कथा जेहेतु एबे आगो क्वेश्चन थिला लवक उद्भिद कोष रे देखा जाए तो एठारे गोटे क्वेश्चन अछि उद्भिद रो फूल फल आदि रे केउ लवक थाए कोह पिला माने रंगीन लवक वेरी गुड रंगीन लवक वेरी गुड रंगीन लवक थिबारु से फूल फलटा विभिन्न कलर रो उपलब्ध हो विभिन्न रंग रो उपलब्ध हुए रंगीन लवक जगु हला अमर तापरे पिला माने एथि देखो लवक अमर जो अछि सेटा प्रथमे दि भाग रे विभक्त हला फर्स्ट हला वर्णहीन लवक लवक को आमे दि भाग रे विभक्त करिछु प्रथम हला वर्णहीन लवक आउ हला रंगीन लवक नेक्स्ट हला कोन रंगीन लवक हला एले पिला माने वर्णहीन लवक कोन वर्णहीन लवक केउथिरे थाए उद्भिद रे केउ अंश रे वर्णहीन लवक थाए अमर नस्ति कांड एवं चेर हला कांड एवं चेर रे अमर वर्णहीन लवक थाए एवं रंगीन लवक केउथिरे थाए फूल फल आ पत्र हला एहा विभिन्न रंगर उपलब्ध तेणु आमे रंगीन लवकटा अमर फूल फल ओ पत्र रे देखा जाय बुझियाला इटा नेक्स्ट क्वेश्चन आसी भी पारे वर्णहीन लवक वा श्वेत वर्णहीन लवक को आमे श्वेत लवक मध्य कहिथौ श्वेत वर्णहीन लवक को आमे श्वेत लवक मध्य कहिथौ इटा दीटा क्वेश्चन आसी पारे श्वेत लवक केउथिरे थाए कांडवा चेर रंगीन लवक केउथिरे थाए फूल फल ओ पत्र हला पिला माने आ गुटे आसीले देख एथिरे ऑप्शन अछि हरित लवक हला हरित लवक हमर मुख्यतः पत्र रे थै हला आ से थिबारु पत्र रो रंग सबुज हला तापरे 21 नंबर हमें क्वेश्चन आसीबा केउ अंगिका कोषर समस्त कार्य को नियंत्रण करि थै ओह पिला माने ऑप्शन अछि न्यष्टि सेंट्रोजोम राइबोजोम गल्गी पिंड न्यष्टि हला न्यष्टि आमर मुख्य अंश से समस्त कार्य को नियंत्रण करिथै आमर जे परि मस्तिष्क समस्त कार्य को नियंत्रण करिछि सेही बले आमर कोषर जो मध्यस्थल रे जो न्यष्टि रहिछि से न्यष्टि रो से समस्त कार्य को कोषर से नियंत्रण करे नेक्स्ट आमर 22 नंबर को जिबा न्यष्टि भितरे थिबा गोलाकार अंश को कोण कहा जाय पिला माने न्यष्टि भितरे थिबा गोलाकार अंश को कोण कहा जाय ओह निन्यष्टि वेरी गुड तमे तो जानि छो कोष वेरी गुड कोष भितरे जोंटा अछि ताकु आमे कहिबा निन्यष्टि हला कोष भितरे जोंटा रही छि कोष भितरे जोंटा रही छि ताकु आमे कहिबा निन्यष्टि हला किंतु निन्यष्टि भितरे अन्य एक गोलाकार अंश थाए ताकु आमे कहिबा निन्यष्टि हला निन्यष्टि हला हले तार ऑप्शन हबो न्यष्टि भितरे थिबा गोलाकार अंश को कोण कहा जाय निन्यष्टि हला
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा मनीष शरीर रो प्रत्येक जीवकोष रे केते जोड़ा क्रोमोसोम थाए इला माने एटा अष्टम श्रेणी रे भी अछि तमर क्वेश्चन था मनीष शरीर रो केते जोड़ा 23 जोड़ा 23 जोड़ा वेरी गुड आ केतो टी हेले के कोन हबो इला माने 23 जोड़ा कहिलो केतो टी जदि क्वेश्चन थिबो 46 जोड़ा कह जाए 23 जोड़ा है पाने जो 23 जोड़ा अच्छी 22 जोड़ा ऑटोसोम आ गोटिए जोड़ा हला लिंग लिंग मैं सेक्स क्रोमोसोम हला लिंग गुणसूत्र हला 23 जोड़ा रु गोटिए जोड़ा लिंग गुणसूत्र आ 22 जोड़ा हला तुम्हार ऑटोसोम हला। नेक्स्ट केउ कोष रे अगुणित संख्या इठने क्रोमोसोम हेबो अगुणित संख्यक अमर गुणसूत्र वा क्रोमोसोम देखा जाय इठने को सोमाटिक कोष कायिक कोष जनन कोष प्राकनेष्टीय कोष जनन कोष इला माने कोण कहिलो जनन कोष वेरी गुड जनन कोष हला जनन कोष रे अमर अगुणित संख्यक क्रोमोसोम बा एन संख्यक क्रोमोसोम रही थाए किंतु अमर सोमाटिक सेल बा अमर कायिक कोष रे सोमाटिक सेल बा कायिक कोष रे अमर 2n संख्यक 2n संख्यक क्रोमोसोम रही थाए हला सब बेले जनन कोष रे हैप्लॉइड बा अगुणित आ सोमाटिक बा कायिक कोष रे डिप्लॉइड बा द्विगुणित क्रोमोसोम रही थाए माने 46 रो 23 टी हमर जनन कोष रे थिबो किंतु हमर 46 टी हमर सोमाटिक कोष बा कायिक कोष रे थिबो हला। नेक्स्ट आमे जीबा क्रोमोसोम रो अग्रभाग को कोण कहा जाए टेलोमियर सेंट्रोमियर जीन क्रोमैटिड टेलोमियर वेरी गुड टेलोमियर तार अग्र भाग को हमें कहिबा टेलोमियर हला। नेक्स्ट पिला माने हमें जीबा कोषर शक्ति केंद्र कहा को कहा जाए सॉरी एटा हम टिके टाइपिंग भूल हो जाई छी हमें एथरे टिके एटा शक्ति मुद्रा हवा पिला माने हला शक्ति मुद्रा हला कोषर शक्ति मुद्रा कहा को कहा जाए एटीपी वेरी गुड एटीपी हला शक्ति मुद्रा आ शक्ति केंद्र कहिले तमर माइटोकांड्रिया हला शक्ति केंद्र माइटोकांड्रिया शक्ति मुद्रा एटीपी एटीपी रो तमर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हला एटीपी रो तमर पूर्ण अर्थ हला एडी नो साइन ट्राई तीनोटी फास्फेट अणु सेथरे रहिछि। तापर हमर 27 नंबर क्वेश्चन हला माइटोकांड्रिया व्यतीत अन्य केउ अंगिका को अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहा जाए हमर जानि छ पिला माने माइटोकांड्रिया व्यतीत वेरी गुड लवक को काहे कि हमर माइटोकांड्रिया सहित माने ताको अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहा जाइछि के कहि परबो तार कोन थिबारु आमे उभय माइटोकांड्रिया ओ लवक को अर्ध स्वयंचालित अंगिका कही था कहीं कि कारण तार निजर कौन रही था डीएनए ओ राइबोसोम निजर डीएनए ओ राइबोसोम थिबारु से निजर अधारु अधिक कार्य से निजे करी पकाए हला तेणु ताकू आमे कहिबा अर्ध स्वयंचालित अंगिका हला डीएनए अछि ओ राइबोसोम माइटो आ गोटे क्वेश्चन एथिरे देख मने रखो माइटोकांड्रिया आउ काहाकू लवक उभयकू अमर अर्ध स्वयंचालित अंगिका कहा जाए काही के जदि भी आसिला दि मार्किया क्वेश्चन तो कहिबो माइटोकांड्रिया ओ लवक रे निजर कोन रहिछि डीएनए ओ राइबोसोम थिबारु ताकू अर्ध स्वयंचालित अंगिका बोली आमे कहिबा हला इला माने एखे नेक्स्ट जेबा अमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हला प्रे टॉपिक रे सब रिलेट करिके थिला एबे आमे टिके
लॉन्ग क्वेश्चन आड़क जीवा बा सब्जेक्टिव टाइप आंसर को पिला माने एई दीटा चित्र हला प्लांट सेल आउ एनिमल सेल हला उद्भिद कोष ओ प्राणी कोष रे ठीक है आमे देखिबा तो आमर केउथिर पार्थक्य एटा पड़े उद्भिद कोष ओ प्राणी कोष रे जो पार्थक्य रही छि हला पार्थक्य आमे एबे डिस्कशन करिबा हला एई दीटा चित्र को जेते बेले आमे देखिबा हला कोन तार पार्थक्य रही छि देखो पिला माने अमर आकृति रे प्राणी कोष ठारु अपेक्षाकृत बड़ किए बड़ उद्भिद कोष अमर ए उद्भिद कोष आ प्राणी कोष को जते बेले हमें तुलना करिबा प्राणी कोष ठारु अमर उद्भिद कोष अपेक्षाकृत बड़ हला एवं अमर उद्भिद कोष अपेक्षाकृत सान तार विपरीत हबो प्राणी कोष जदि सान उद्भिद कोष ताठारु अपेक्षाकृत बड़ तापरे सेकंड पॉइंट आमे जिबा हला कोष झिल्ली और कोष भित्ति थाए क्योंथिरे उद्भिद कोष देख पिला माने अमर उद्भिद कोष रो आमे जाडी छु बाह्य आवरण को अमर तो कोष भित्ति कुहा जाय हला बाह्य आवरण को अमर टोटली देखो कोष भित्ति कुहा जाय छी तार भितरे कोष झिल्ली भितरे अन्य एक अमर मेम्ब्रेन टे रही छी कोष झिल्ली हला कोष भित्ति भी रही थाए कोष झिल्ली भी उभय रही थाए अमर उद्भिद कोष रे कोष झिल्ली भी रही थाए कोष भित्ति भी रही थाए अमर इथरे जो ग्रीन कलर देखा जाउ छी ई बाहर अंश टा हला अमर कोन कोष भित्ति बा सेल वॉल आमे इथरे लेखा हि छी सेल वॉल हला आउ सेल मेम्ब्रेन मध्य अमर लेखा हि छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हला दीटा रही छी हला तो किंतु आमे जते बेले प्राणी कोष को देखिबा सेथिरे केवल कोष झिल्ली थाए कोष भित्ति न थाए अमर पिला माने देखो एई थिरे खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि सेल वॉल नाही हला बुझी हला सब बेले मन रखिबो उद्भिद कोष रे उभय रही थाए उद्भिद कोष रे तमर उभय कोष झिल्ली भी थाए कोष भित्ति भी थाए कोष भित्ति तले कोष झिल्ली थाए किंतु अमर प्राणी कोष रे केवल कोन थाए कोष झिल्ली हला नेक्स्ट तीन नंबर को जिबा रसधानी गुड़ी को स्थाई अमर उद्भिद कोष रो मझी रे रसधानी स्थाई परमानेंट आकार रे रही थाए आउ से मझी रे थाए अबड़ हला रसधानी गुड़ी को स्थाई ओ आकार रे आमे बड़ बोली कि लेखि बे पारिबा हला टिक बड़ थाए किंतु अमर अमर एथिरे अमर प्राणी कोष रे रसधानी क्षुद्र अमर प्राणी कोष रे अमर रसधानीटा छोट अस्थाई केवल आदि प्राणी मान देखा जाए क्षुद्र हला उद्भिद कोष व्यतीत से क्षुद्र थाए नेक्स्ट आमे जीवा उद्भिद कोष रे लवक देखा जाए पिला माने तमे जानि छ लवक रंगीन लवक श्वेत लवक ई सब देखा जाए हला एथिरे हमर एटा क्लोरोप्लास्ट रो चित्र दिया हि छि हला क्लोरोप्लास्ट रो चित्र हला हमर एई भलिया क्लोरोप्लास्ट रो चित्र त बही रे भी तमर दिया हि छि थाको थाको भलिया थिबो लाइनती क्लोरोप्लास्ट रो चित्र एई लवक हमर थाए उद्भिद कोष रे देखा जाए किंतु प्राणी कोष रे लवक आद्यो न थाए हला आम मान को क्षेत्र रे लवक नाही पिला माने जदि लवक थांता हेले कोन होनता कहो आमे निजे निजर खाद्य प्रस्तुत करि पारता हला आ विभिन्न रंगर उपलब्ध लवक आद्य न थाए नेक्स्ट अमर आउ गोटे अंगिका अछि सेंट्रोजोम नामक कोष अंगिका न थाए उद्भिद कोष रे मन रख पिला माने आमो सेंट्रोजोम अंगिका एथिरे न थाए किंतु अमर प्राणी कोष रे थाए हला प्राणी कोष रे अमर थाए एटा हला तुमर उद्भिद कोष प्राणी कोष रे जदि 4 मार्किया क्वेश्चन आसी पारे बा 3 मार्किया क्वेश्चन तुमर सब्जेक्टिव टाइप आसी पारे तो यहा निहाते तुमे मन रखिबो पॉइंट वाइज लेखिबो हला हला उद्भिद कोष रे कोन थाए तुमे जानलो मेन हला अमर कथा रसधानी बड़ स्थाई लवक देखा जाए सेंट्रोजोम न थाए आ कोष भित्ति देखा जाय थरी हला प्राणी कोष रे कोष भित्ति देखा जाए नाही केवल कोष झिल्ली देखा जाए तापरे अमर रसधानी सेथिरे क्षुद्र बा छोट लवक न थाए हला इटा तार पार्थक्य रे गला नेक्स्ट आमे गोटे अछि अमर सुप्राक्नेस्टिय ओ सोनेस्टिय कोष मध्य रे पार्थक्य दर्श पिला माने अमर इटा जेहेतु ए चैप्टर रे पढा सरी छि आमे प्राक्नेस्टिय कोष एवं सुनेस्टिय कोष विषय आमे पढ़ी छु अष्टम श्रेणी रे मध्य हमर पढ़ाई छि हम साइड रे दीटा चित्र दे छि प्रोकैरियोटिक सेल एवं यूकैरियोटिक सेल पिला मे ई चित्र को तमे देखिले हला हमर
ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରାକନିଷ୍ଠ କୋଷକୁ ଯିବା ଆଉ ତାପରେ ସୁନିଷ୍ଠ ଆମ ସୁନିଷ୍ଠ କୋଷରେ ପ୍ରାୟ ଅଙ୍ଗୀକାର ହେଇକି ଟିକେ ସଂଗଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକନିଷ୍ଠ କୋଷଟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହେଲା କୌଣସି ଝିଲ୍ଲୀ ଆବୃତ କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାର ନଥାଏ ଆମ ପ୍ରାକନିଷ୍ଠ ଆମେ ଯେତେ ଯିବା ଆମେ ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ନେଇଛୁ ଏଠି ହେଲା ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ନେଇଛୁ ତାର ଭିତରେ ବା କୋଷ ଜୀବକରେ କୌଣସି ଝିଲ୍ଲୀ ଆବୃତ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କୌଣସି ଅଙ୍ଗୀକାର ନଥାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଝିଲ୍ଲୀ ଆବୃତ ଆମର ଯେମିତି ସୁନିଶ୍ଚୟରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡିଆ ରସଧାନୀ ଲାଇସୋଜୋମ ଏସବୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାକନିଷ୍ଠ କୋଷରେ ଏଇସବୁ ଝିଲ୍ଲୀ ଆବୃତ ଅଙ୍ଗୀକାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗୀକାର ନାହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁନିଶ୍ଚୟ କୋଷ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ କୋଷକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ସୁନିଶ୍ଚୟ କୋଷରେ ସେଇ ସମସ୍ତ କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାର ରହିଥାଏ ଆମର କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାର ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛୁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡିଆ ଗଲଗି ବଡି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ରହିଥାଏ କଣ ଆମର ଏଇ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ରହିଥାଏ ଗଲଗି ଆପାରଟ ରହିଛି ନିଓସ୍ଟି ରହିଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ରହିଛି ଲାଇସୋଜୋମ ରହିଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାର ସବୁ ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମେମ୍ବ୍ରେନ ରହିଛି ଝିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ଆମର ରହିଥାଏ ସୁନିଶ୍ଚୟ କୋଷରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ସୁସଂଗଠିତ ହେଲା ଏଇଟା ସଂଗଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ ଏଥିରେ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିବା କଥା ତାହା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲୀ ବି ନାହିଁ ସଂଗଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୁନିଷ୍ଟି କୋଷମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ରସ ରହିଛି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଛି କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏସବୁ ରହିଛି ତ ଆମର ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସୁସଂଗଠିତ ନୁହେଁ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରାକନିଷ୍ଠ କୋଷରେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନି ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା କିନ୍ତୁ ସୁନିଷ୍ଠ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ସୁସଂଗଠିତ ହେଲା ସୁସଂଗଠିତ ମତଲବ ତାର କଣ ରହିଛି ତାର କୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଚାରିଆଡେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଛି ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଆମର ନିନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ରହିଛି ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲୀ ରହିଛି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଛି ହେଲା ତାପରେ ଆମର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲୀ ନଥାଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲୀ ଯୁକ୍ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠାରେ ଗୋଲାକାର ଡିଏନ୍ଏ ରହୁଥାଏ ଏଥିରେ ରୈଖିକ ଡିଏନ୍ଏ ଅଣୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ତମର ପଡେ ହେଲା ଆମେ ଏମିତି ଚିତ୍ରଟା ଆମେ ନେଇଛୁ ତ ଏହା ତିନି ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ତ ତମେ ଚିତ୍ରକୁ ଠିକ ଭାବରେ କାଟିକି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଲେବେଲିଂ କରିବ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିକି ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଲେବେଲିଂ କରିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ତମର ଟାସ୍କରେ ରହିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଲାଇସୋଜୋମକୁ କାହିଁକି ପାଚକ ଥାଳି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଡିସ୍କସନରେ ସରିଛି ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯାହା ଡିସ୍କସନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ତମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପାଇଁ ଯେହେତୁ 13 ତାରିଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ